यह दाव दिख रहा कठिन थोड़ी सी, सब मोह माया का गणना है। तीन, सिर्फ तीन घंटे के लिए मुझे भी सचिन तेंदुलकर बनना है। ठीक है, ऐसे तो हम आप जो हैं वो वही रहेंगे, लेकिन अगर किसी महानतम खिलाड़ी ने अपने जीवन में हाईएस्ट को अचीव किया है, उस पैरामाउंट को अचीव किया है, तो उनसे थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा ऊर्जा, थोड़ा सा वो तरीका कि क्या मनोदशा हम में होनी चाहिए, उस मनोदशा को लेकर के और हमें पूरी कोशिश करनी है कि वी हैव टू क्रैक आवर गोल। हम जब भी किसी एग्जाम को देने के लिए जाते हैं तो हमारी जो मनोदशा होती है, हमारे अंदर जो एक अंतर्द्वंद्व होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वास्तव में यह कैसी होनी चाहिए, हमारी जो मनोदशा है वो कैसी होनी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि आप सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 100 सेंचुरीज लगाई हैं, 100 शतक लगाए हैं, तो उसमें से कोई भी एक शतकीय पारी देख लीजिए, आप देखिए कि कैसे दुनिया के सबसे महानतम बैट्समैन होने के बावजूद वह कुछ गेंदों को छोड़ देते हैं। ठीक है, किसी पे चौका लगाते हैं, किसी पे सिंगल लगाते हैं, किसी पे थोड़े से डर जाते हैं, ठीक है, किसी पे आउट होते होते बचते हैं, किसी पे कैच आउट होते होते बचते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जैक्टली हमारी जो स्थिति है वो वही होने वाली है। वहां पर तेंदुलकर के सामने शेन वार्न है, ग्लेन मैकग्रा है, शोएब अख्तर है ना, मुथाया मुरलीधरन है, और यहां हमारे सामने लीनियर एलजेब्रा के क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस, है ना, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस, टोपोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, अब उसमें से किस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दे रहा है ना, किस क्वेश्चन पे हमें समय देना है, किस क्वेश्चन से हमें मार्क्स प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो डिसीजंस हैं, है ना, इसमें परसेंटेज ऑफ डिसीजंस अगर परफेक्ट होंगे तो डेफिनेटली वह रिजल्ट में तब्दील होंगे। अब इसीलिए हमने हमारे अंतःकरण से कुछ पंक्तियां निकली, है ना, और उन पंक्तियों को मैं चाहूंगा कि आपके सामने रखूं, जहां पे एक सीख है दुनिया के महानतम क्रिकेटर से हम सब के लिए, क्योंकि कल हमें भी उनकी तरह प्रेशर, उनकी तरह अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स का सामना करना है। ठीक है, तो यहां पे एक जो कंपैरिजन है, ठीक है, एक जो मोटिवेशन है जो कि हम सचिन तेंदुलकर से ले रहे हैं, एक्चुअली सचिन तेंदुलकर इज गोइंग टू मोटिवेट यू, नॉट मी, दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम माय साइड, दीज आर सम लाइंस दैट आई एम गोइंग टू से, आई वांट टू से, सो लेट्स स्टार्ट। यह दाव दिख रहा कठिन थोड़ी सी, सिर्फ मोह माया का गणना है। मोह माया मतलब निगेटिविटी चलती रहती है, ठीक है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फल पे मन गराए हुए। यह दाव दिख रहा कठिन थोड़ी सी, सिर्फ मोह माया का गणना है। तीन, सिर्फ तीन घंटे के लिए मुझे भी सचिन तेंदुलकर बनना है। जहां योर्कर होगा टोपोलॉजी का, है ना, तो टोपोलॉजी में जो इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, पॉइंट से टोपोलॉजी और उसके अलावा और भी कुछ, तो वो क्वेश्चंस आप कर लीजिए, लेकिन जहां पे उलझने की बारी आई, प्रणाम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्वेश्चंस जो ऑप्शन से नहीं हो रहे हैं या सीधे मेथड से नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई लेंदी जाने वाला है, उनको भी प्रणाम। जहां योर्कर होगा टोपोलॉजी का या लॉन्ग रन अप का पीडीई, मुझे इससे नहीं उलझना है। तीन, सिर्फ तीन घंटे के लिए मुझे भी सचिन तेंदुलकर बनना है। जहां पैर खींचेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे तो पैर ऐसे भी खींचे जाते समाज के द्वारा, है ना, कि एकदम लॉन्ग रन अप ले लिया, एमएससी कर लिया, एमएससी करने के बाद अब फिर एक ताम्र पत्र के लिए, मतलब जो है इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, तो पैर तो ऐसे भी खींचते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर के भी पैर खींचे जाते थे कि भाई अपने लिए सेंचुरी बना रहा है, ठीक है, टीम के लिए नहीं खेल रहा है, बहुत तरह की चीजें, लेकिन उन्होंने कभी भी जो जवाब है वो बल्ले से दिया, जुबान से नहीं। कल क्वेश्चंस भी आपके पैर खींचेंगे,
जहां पैर खींचेंगे कुछ क्वेश्चंस, वहां रियल लीनियर ग्रुप कॉम्प्लेक्स अपना है। ठीक है, ये जो है रियल एनालिसिस, लीनियर एलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सब हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे। जहां पैर खींचेंगे कुछ क्वेश्चंस, वहां रियल लीनियर ग्रुप कॉम्प्लेक्स अपना है। 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे मुझे भी सचिन तेंदुलकर बनना है। और अंतिम पंक्ति जो आपके सारे अंतर्द्वंद को खत्म करके रख देगा, ठीक है, और आप कल जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो एक पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, है ना, एक खेल की तरह उसे देखेंगे, एक ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ी आप हैं, और पूरी कोशिश होगी कि आप जीते, और डेफिनेटली आप जीतेंगे अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, ठीक है ना। और वो पॉजिटिविटी आएगी कहां से, तो वह इस लाइन से कि है जीवन ही संघर्ष ये जब तो हार जीत का अफसोस नहीं, है ना, होगा या नहीं होगा इसका हमें क्या अफसोस है, जो वक्त हमें मिला था उसमें हमने तैयारी करी, एंड नाउ इट्स अ टाइम टू डू आवर लेवल बेस्ट एंड वी कैन नॉट डू मोर देन दिस। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि है जीवन ही संघर्ष ये जब तो हार जीत का अफसोस नहीं, जब रुक जाए कलम मेरे तो पॉजिटिविटी के साथ टहलना है। पॉजिटिविटी के साथ टहलने का क्या मतलब, बाउंसर मारा सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी बैठ गए, उसके बाद कुछ देर के लिए उठे, और उसके बाद फिर देखा कि भाई बॉल उठा कहां से, थोड़ा सा थपथपाते हैं ना पिच को, महेंद्र सिंह धोनी जी दस्ताना खोल के उसके बाद फिर से पहन लेते हैं। तो ये सब क्या है कि दिमाग में पॉजिटिविटी चल रहा है और ये सब जो एक्टिविटी है वो हो रही है, तो थोड़ा सा रुक जाना है ना, जब कलम रुकने लगे तो थोड़ा सा रीथिंक करना है, 2-3 मिनट का पॉज लेके, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू यस कम टू प्ले। तो यहां पे क्या है जीवन ही संघर्ष ये जब तो हार जीत का अफसोस नहीं, जब रुक जाए कलम मेरे तो पॉजिटिविटी के साथ टहलना है। 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे के लिए मुझे भी सचिन तेंदुलकर बनना है। ठीक है, ऐसे तो हम आप जो हैं वो वही रहेंगे, लेकिन अगर किसी महानतम खिलाड़ी ने अपने जीवन में हाईएस्ट को अचीव किया है, उस पैरामाउंट को अचीव किया है, तो उनसे थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा ऊर्जा, थोड़ा सा वो तरीका कि क्या मनोदशा हम में होनी चाहिए, उस मनोदशा को लेकर के, और हमें पूरी कोशिश करनी है कि वी हैव टू क्रैक आवर गोल, है ना। हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो आपके लिए हमेशा रहेंगी। इस एग्जाम के लिए हम यही कहना चाहेंगे, ऑल